नमस्कार। संस्कृति के क्षेत्र में भारत के आत्माभिमान का प्रतीक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने भारतवासियों से कहा कि तुम्हारा धर्म पौराणिक संस्कारों की धूल में छुप गया है, तुम्हारा सच्चा धर्म वैदिक धर्म है जिस पर आरूढ़ होने से तुम फिर से विश्व विजयी हो सकते हो। महर्षि दयानंद ने बुद्धिवाद की जो मशाल जलाई उसका कोई जवाब ना तो मुसलमान दे सकते थे, ना ईसाई, ना पुराणों पर आश्रित हिंदू पंडित। स्वामी जी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, किंतु जब वे सन 1872 में कोलकाता पहुँचे तो केशव चंद्र सेन जी ने उनसे आग्रह किया कि वे संस्कृत की जगह अगर हिंदी में बोलना प्रारंभ करें तो अधिक उचित होगा। उसके बाद से न केवल स्वामी जी के व्याख्यानों की भाषा हिंदी हो गई, अपितु उन्होंने आर्य समाज के प्रमुख ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को भी हिंदी में ही लिखा। स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में लिखा, जो जो सब मतों में सत्य बातें हैं उनको स्वीकार कर जो मिथ्या बातें हैं उनका इसमें खंडन किया गया है। आजकल स्वमत की स्तुति, मंडन और प्रचार करने और दूसरे मत की निंदा करने की वृत्ति है, परंतु ऐसी बातें मनुष्यपन से बाहर हैं। 14वें समुल्लास के अंत में स्वामी जी कहते हैं कि मेरा कोई नवीन मत मतांतर चलाने का लेश मात्र भी अभिप्राय नहीं है, किंतु जो सत्य है उसे मानना मनवाना और जो असत्य है उसे छोड़ना छुड़वाना मुझको अभीष्ट है। दयानंद क्रांति के वेग से आए और उन्होंने निश्चल भाव से घोषणा कर दी कि हिंदू धर्म ग्रंथों में केवल वेद ही मान्य हैं, अन्य शास्त्रों और पुराणों की बातें बुद्धि की कसौटी पर कसे बिना मानी नहीं जानी चाहिए। 6 शास्त्रों और पुराणों को उन्होंने एक झटके से साफ कर दिया। वेदों में मूर्ति पूजा, अवतारवाद, तीर्थों और अनेक पौराणिक अनुष्ठानों का समर्थन नहीं था, अतएव स्वामी जी ने इन सारे कृत्यों और विश्वासों को गलत घोषित किया। सत्यार्थ प्रकाश में जहाँ हिंदुत्व के वैदिक रूप का गहन आख्यान है, वहीं उसमें ईसाइयत और इस्लाम की आलोचना के भी दो अलग अलग समुल्लास हैं। अब तक हिंदुत्व की निंदा करने वाले लोग निश्चिंत थे कि हिंदू अपना सुधार भले करता हो किंतु बदले में हमारी निंदा करने का साहस नहीं करेगा, किंतु इस मेधावी एवं योद्धा सन्यासी ने उनकी आशा पर पानी फेर दिया। इतना ही नहीं तो उन्होंने घोषणा कर दी कि किसी कारण से अपना धर्म छोड़कर अन्य धर्म में गया हिंदू प्रत्येक अवस्था में अपने धर्म में वापस आ सकता है। इतना ही नहीं तो कोई अहिंदू भी यदि चाहे तो हिंदू धर्म में प्रवेश पा सकता है। यह केवल सुधार की वाणी नहीं, जागृत हिंदुत्व का समर नाद था। कोलकाता से स्वामी जी मुंबई पधारे और वहीं 10 अप्रैल 1875 को उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। यूं तो स्वामी जी ने समूचे भारत की यात्रा की, हर जगह विद्वानों के साथ वार्तालाप और विचार विमर्श किया, किंतु उन्हें सर्वाधिक पंजाब में पसंद किया गया और तभी से पंजाब आर्य समाज का प्रधान गढ़ रहा है। जिन बुराइयों के कारण हिंदू धर्म का ह्रास हो रहा था तथा अन्य धर्मों के लोग जिन दुर्बलताओं का लाभ उठाकर हिंदुओं को ईसाई बना रहे थे, उन बुराइयों को इंगित कर उन्हें दूर करने का प्रयत्न स्वामी जी ने किया। स्वामी जी ने छुआछूत के विचार को अवैदिक बताया और आर्य समाज ने हजारों अंत्यजों को यज्ञोपवीत देकर उन्हें आदर का स्थान दिया। आर्य समाज ने नारियों में शिक्षा का प्रचार व विधवा विवाह की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया। पुरुष शिक्षित और स्वस्थ हों, नारियां शिक्षित और सबला हों, लोग संस्कृत पढ़ें और हवन करें, हिंदू मूर्ति पूजा से विमुख हों, पुरोहितों पंडों पुजारियों के फेर में ना पड़ें, ये उपदेश उन सभी प्रांतों में गूंजने लगे जहां आर्य समाज का थोड़ा बहुत भी प्रचार था। स्वामी जी ने वर्णाश्रम का आधार गुण कर्म को माना। उन्होंने देव का अर्थ विद्वान, असुर का अर्थ अविद्वान, राक्षस का अर्थ पापी और पिशाच का अनाचारी माना। पुरुषार्थ को उन्होंने प्रारब्ध से बड़ा बताया तथा सुख को स्वर्ग तथा दुख को नरक कहा। यह हिंदू धर्म की बुद्धिवादी व्याख्या थी। यह विज्ञान की कसौटी पर चढ़े हुए हिंदुत्व का निखार था। स्वामी जी ने यहाँ तक कहा कि वेदों में त्रिकाल का ज्ञान समाहित है। वेदों में केवल धर्म की बातें नहीं हैं, उसमें विज्ञान भी समाहित है। बाद में महर्षि अरविंद ने भी स्वामी दयानंद के कथन का समर्थन किया।
आगे चलकर आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन भी चलाया। सन 1921 ईस्वी में मालाबार में भयानक मोपला विद्रोह हुआ और उन्होंने बलपूर्वक असंख्य हिंदुओं को मुसलमान बना लिया। इसके बाद आर्य समाज सक्रिय हुआ और लगभग 2500 परिवारों को पुनः हिंदू बना लिया। इतना ही नहीं तो राजस्थान के मलकाना मुस्लिमों की शुद्धि प्रारंभ की। मुस्लिम आग बबूला हो उठे और वे आर्य समाज के घनघोर शत्रु हो गए। हालांकि तर्क की कसौटी पर उनकी नाराजगी बेमतलब थी, क्योंकि जब उन्हें अधिकार है कि वे हिंदुओं को मुसलमान बना लें तो हिंदुओं को पुनः हिंदू बनाने में क्या गलत है। जो भी हो, आर्य समाज के साहस से मुसलमान घबराने लगे। पंडित चमूपति ने टिप्पणी की कि आर्य समाज के जन्म के पूर्व हिंदू कोरा फुसफुसिया जीव था, उसमें मेरुदंड की हड्डी ही नहीं। चाहे कोई उसे गाली दे, उसकी हंसी उड़ाए, उसके देवताओं की भर्त्सना करे या उसके धर्म पर कीचड़ उछाले, फिर भी इन सारे अपमानों के सामने वह दांत निपोर कर रह जाता था। लोग सोचने लगते थे कि कैसा आदमी है ये, इसे कभी गुस्सा आता भी है या नहीं, आलोचकों का जवाब देने के लिए इसके मुंह में जवान है या नहीं। किंतु आर्य समाज के उदय के बाद यह अविचल उदासीनता विदा हो गई। आज का हिंदू आलोचना सुनकर चुप नहीं रहता। यह आर्य समाज की हिंदू समाज को दी गई सबसे बड़ी सौगात है। सत्यार्थ प्रकाश को लेकर एक बड़ा रोचक प्रसंग है। मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में सत्यार्थ प्रकाश पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया। जिन्ना ने इस पुस्तक के विषय में, विशेषकर इसके 14वें समुल्लास को इस्लाम मजहब के विरुद्ध बताते हुए पुस्तक को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव रखा। 15 तथा 16 नवंबर 1943 को मुस्लिम लीग की एक सभा दिल्ली में हुई। इसमें भी भारत सरकार से इस पुस्तक के उक्त समुल्लास में भी सत्यार्थ प्रकाश पर प्रतिबंध लगाने की बात व्यक्त की गई। इन सब विरोधों के विरोध में आर्य समाज भी उठ खड़ा हुआ। उसने भी अपने धार्मिक ग्रंथ के समर्थन में प्रदर्शन किए, प्रस्ताव पारित किए गए तथा वाइसराय के पास प्रार्थना पत्र भेजे। सिंध सरकार ने इन विरोधाभासों को देखते हुए घोषणा तो यह कि वह सत्यार्थ प्रकाश के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगी, किंतु 4 नवंबर को एक आदेश भी निकाल दिया कि जब तक 14वां समुल्लास हटा ना लिया जाए तब तक सत्यार्थ प्रकाश की एक भी प्रति न छापी जाए। प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू महासभा के नेता स्वतंत्र वीर सावरकर ने एक सार्वजनिक सभा में उद्घोष किया, अगर सत्यार्थ प्रकाश पर सिंध में प्रतिबंध नहीं हटता तो हिंदू कुरान पर प्रतिबंध लगाने के लिए आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। जैसे ही वाइसराय को लगा कि हिंदू कुरान पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर सकते हैं, तब सत्यार्थ प्रकाश पर से प्रतिबंध अविलंब हटा लिया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण योगदान है। सत्यार्थ प्रकाश और ऋषि दयानंद की जीवनी स्वाधीनता संग्राम के क्रांतिकारियों की प्रिय पुस्तक बनी। ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में घोषणा करते हैं, मत मतांतरों के आग्रह से रहित, अपने पराय का पक्षपात शून्य, प्रजा पर माता पिता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ भी विदेशियों का राज पूर्ण सुखदायक नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति देने वाले सन्यासी द्वारा देश की स्वतंत्रता का यह शंखनाद ही आगे चलकर भारत के जनमन में गूंजने लगा। स्वदेशी आंदोलन के मूल सूत्रधार भी महर्षि दयानंद ही थे। उन्होंने लिखा है, जब परदेशी हमारे देश में व्यापार करेंगे तो दारिद्र्य और दुख के बिना दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता। अंग्रेज अपने देश के जूते का भी जितना मान करते हैं उतना अन्य देश के मनुष्यों का भी नहीं करते। शायद यही कारण है कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, वीर अशफाक उल्ला, दादा भाई नौरोजी, श्याम जी कृष्ण वर्मा, स्वामी श्रद्धानंद, लाला लाजपत राय, भाई परमानंद, वीर सावरकर आदि ना जाने कितने बलिदानी सत्यार्थ प्रकाश ने पैदा किए। एक अंग्रेज मिस्टर शिरोल ने तो सत्यार्थ प्रकाश को ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें खोखली करने वाला लिखा था। महर्षि दयानंद का जीवन और उनका सत्यार्थ प्रकाश सदा सर्वदा
हमें प्रेरणा देता रहेगा। नमस्कार।